आज हम लोग पढ़ेंगे, दे दो। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हमने पढ़ा था पहले, कल बांग्लादेश पढ़े थे ना, कल हमने क्या पढ़ा था? बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, राजधानी ढाका, ठीक है। ये बांग्लादेशी तो है, सॉरी ये बांग्लादेश, हाँ ढाका, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य जो तीन में बांग्लादेश से गिरा हुआ है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। जरा बताएंगे कि चटगांव को किसने, कौन बंदर, चटगांव बंदरगाह को कौन डेवलप कर रहा है? चीन। कौन कर रहा है? चीन, ठीक है। क्या उसको सैन्य के लिए यूज करेगा? नहीं करेगा, है ना। हमने लगभग क्या नाम है, सारे आठ देश पढ़ लिए जो किसके थे, सार्क के सारे देश थे, है ना। कितने देश थे? आठ। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कितने देश थे? आठ। मुख्यालय काठमांडू, मुख्यालय काठमांडू। फटाफट सार्क देश का नाम बता दो। म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। क्या म्यांमार इसका है? नहीं। आप समझिए जरा, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ एशिया। क्या बोलते हैं? साउथ एशिया। ये आपका हो गया पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया। तो क्या बोलते हैं? ईस्ट एशिया। तो साउथ और ईस्ट के जो बीच में होगा इसे हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट एशिया। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट एशिया। और इसमें बहुत सारे देश हैं, तो क्या लगा देंगे? नेशन। साउथ ईस्ट एशिया नेशन, साउथ ईस्ट एशियन, एशियन बोलो तो अच्छा लगेगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन लोगों ने भी अपना एक संगठन बनाया, एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया? एसोसिएशन बनाया, जिसका हमने नाम रख दिया एशियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसमें टोटल कितने देश हैं? 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं, ठीक है। इन 10 देशों में आज हम चर्चा करते हैं, इसमें कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1967 में स्थापना कहा हुआ था? कब हुआ था? 1967 में। इसको हम बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं? आसियान, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण, बोलते थे, है ना, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, है ना। यह आपका क्या है? आसियान। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बोलो, जकार्ता। जकार्ता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया। इसकी मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो आइए जरा हम इसके सारे देश को जरा पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से कंट्री इसमें शामिल है, ठीक है। तो जरा देखते हैं एक एक करके, हम याद करने की साथ के साथ कोशिश करेंगे, और होप सो आप सबको याद भी होते चलेगा, समझिएगा। देखिए थोड़ा सा इसको और जूम कर लेना है ना, क्योंकि हमें किसको पढ़ना है? एशियान को पढ़ना है ना। ये आपका एशियान है, दिख रहा है ना, तो ज्यादा जूम हो गया, थोड़ा कम करते हैं कि और भी सब दिखे थोड़ा सा। इंडिया दिख रहा है? इंडिया दिख रहा है ना, चाइना भी थोड़ा दिख रहा है, इंडिया ये, चाइना इधर है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। ये बीच के जगह क्या बोलते हैं हम लोग? एशियान। क्या बोलते हैं? कितने देश? 10 देश। 10 देश याद करें, जैसे सार्क आपने याद किया, ठीक है। आइए सबसे पहले ये कौन था? म्यांमार। इसको बोलते बर्मा, पुराना नाम क्या था? बर्मा। इसका नाम क्या है? म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। और जो नोट करते हैं फटाफट नोट करते जाइए, म्यांमार, पुराना नाम बर्मा। भारत की आजादी से 10 साल पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बर्मा को आजाद कर दिया गया। बर्मा को आजाद कर दिया गया।
इन अंग्रेजों की यही नीति था कि जिस जगह पे कब्जा करो उसको बर्बाद कर दो। अगर हम चाहते तो हम इसको मिला सकते थे आजादी के समय, लेकिन अंग्रेजों ने इस कदर बांटा कि हम मिला ही नहीं सकते हैं। देखो बर्मा बांटा जिसका नाम क्या है म्यांमार, इसमें बौद्ध धर्म की अधिकता है। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में किसकी है, मुसलमान की अधिकता है। इंडिया में किसकी है, हिंदू को अधिकता है। ठीक है, तीनों एक साथ मिल नहीं सकते, समझे? तो इसीलिए इसने ऐसा बांटा ही था धर्म के आधार पे। जिस जगह पे अंग्रेज गया बर्बाद करके गया, उससे पहले अफगानिस्तान को अलग कर दिया इंडिया से, समझे? तो इन लोगों ने बर्मा की म्यांमार की स्थापना कब हुई थी, 1937 में। किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में किसको अलग कर दिया गया, बर्मा, जिसका नया नाम क्या है, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी रंगून, बोलो म्यांमार की राजधानी रंगून। अभी डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी तो हम शॉर्ट में सब नाम लिख रहे हैं, ठीक है, फिर एक एक कंट्री का हम चर्चा करेंगे। बोलो अभी सुनो तो, पुराना नाम क्या था, राजधानी क्या था, क्या नाम है, म्यांमार की रंगून, अब नया हो गया उन्होंने पीदा, अभी चर्चा करेंगे हम लोग जब डिटेल में इसमें घुसेंगे तब, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, म्यांमार, ये नीचे थाईलैंड, नीचे थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, थाईलैंड का पुराना नाम श्याम, थाईलैंड का पुराना नाम श्याम, थाईलैंड का पुराना नाम श्याम, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। अब समझो आगे, ये जो जगह है ना, इस जगह पे फ्रांस वालों ने कब्जा किया था। किस पे कब्जा था, फ्रांस का। इसीलिए इस पूरे जगह को हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि जब फ्रांस का कब्जा था, जब फ्रांस ने इसे छोड़ करके गए, इसे तीन भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ा, तीन भागों में, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। बोलो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। आपको नक्शा में पेज नंबर 59 पे मिलेगा, 59 नंबर मैप निकालिए, 59 नंबर निकालिए, ऐसे रखो उसको, लाइजर एक नक्शा नक्शा दिखा मुझे। देखो यहां से मिलेगा आपको, ये ऊपर म्यांमार। हालांकि जब हम पढ़ाएंगे तब डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पांच इसमें मिलेगा और पांच इसमें मिलेगा, दस, लेकिन अभी दसों यहां पे नाम दे रखा है, अब दसों का नाम यहां पे मार्क कर सकते हैं। जिसमें देखो यार, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, ये सारे को हाईलाइट करते चलो फटाफट, ठीक है। कितने पढ़ लिए हमने, पांच, जरा पांचों फटाफट बोलेंगे, बोलिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। सीरीज गलत उल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उल्टा हुआ दिमाग उल्टा हो जाएगा। बोलो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, पांच। अब देखो ये जो जगह है ना, ये पूरा जगह मलेशिया, ये जो पूरा जगह है ना, ये वाला, ये क्या है, मलेशिया, बीच में दह गया, बीच में क्या हो गया, ये दह गया, इधर भी मलेशिया, इधर भी मलेशिया। इस मलेशिया को भी, जो इधर का मलेशिया है, इसमें भी दो भाग किया गया, इस मलेशिया में भी दो भाग किया गया, नहीं समझे? इस मलेशिया से निकला सिंगापुर, यही जगह सिंगापुर, ठीक है, जहां लालू जी ने भी ऑपरेशन कराए हैं। देखो ये बिहार के बड़ा है, नहीं, 15 साल बिहार में राज किए हैं, और इलाज कराने कहां गए, सिंगापुर। तो इस बात का क्या संकेत देता है कि हमने बिहार को लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया, ठीक है। ये क्या है,
मलेशिया, सॉरी ये सिंगापुर, बोलो सिंगापुर, ये मलेशिया से निकला यहां पे, इसका नाम है क्या नाम है इसका, क्या नाम है बर्नेई, क्या नाम है ब्रुनेई, क्या नाम है ब्रुनेई, इसका नाम है ब्रुनेई, ब्रुनेई लिखा हुआ होगा है ना, यहां क्या लिखा हुआ है सिंगापुर, ठीक है, तो कितना हो गया मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई, बोलो मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई, मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई, मलेशिया में पता है एक बार यहां से यहां एक एरोप्लेन जा रही थी MS 370 2014 में मलेशिया का जो विमान गायब हुआ वहां तक पता नहीं चला गया कहां, क्या नाम था MS 370, ठीक है, एक कब गायब हुआ था 2014 में, यहां से इधर जा रहा था इस मलेशिया से इस मलेशिया में, अब पता ही नहीं चला कहां गया, अब कहां पता चलेगा, बीच में समुंदर है, प्योर समुंदर आपको देख रहे हो हिंद महासागर, इसमें मिलेगा, और वो भी एकदम जबरदस्त वाला है गड्ढा यहाँ पे, अब वहीं पे कहीं पे गिर गया होगा जी, अब इतना बड़ा हिंद महासागर कहाँ ढूंढोगे, ये जगह तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा है, इस जगह के बीच में कम देखो आपको उसमें लिखा बना होगा स्केल बना होगा, स्केल को देखिए, इसकी लंबाई कम से कम तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर से कम थोड़ी होगा ये, तो उस हिसाब से मतलब ये कि बहुत लंबाई उसकी है, आइए तो कितने हमने याद कर लिया, आठों बोले शुरू से, बोलो वो बोलो तो याद रहेगा, म्यांमार थाईलैंड लाओस वियतनाम कंबोडिया, पांच बोला तो वो गैप लेना है, ठीक है, कौन कौन, म्यांमार थाईलैंड लाओस वियतनाम कंबोडिया, मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई, ब्रुनेई मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई, जगह है पूरा इंडोनेशिया, जगह का यहां पे ये भी ये क्या है इंडोनेशिया, ये कौन सा है इंडोनेशिया, कौन सा है इंडोनेशिया, ठीक है, एकदम पूरा इंडोनेशिया बिखरा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का देश इंडोनेशिया, 13,000 द्वीप है, कितने 13,000 द्वीप है, द्वीपों का सबसे बड़ा समूह इंडोनेशिया, द्वीपों का सबसे बड़ा समूह इंडोनेशिया, सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन वाला देश इंडोनेशिया, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, ठीक है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला देश इंडोनेशिया, सबसे भयानक सुनामी कहां आया था इंडोनेशिया, इतना बोल दिया लिखते थक जाओगे, इसका कलम ही गिर गया, निकाल के डाल रही है ये कलम का नींद निकल गया रहे जा ससुरा तू अंदर, तो कहां जा रहा है ठंडा में बाहर न रे क्या लिखा आपने, द्वीपों का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, कितने द्वीप हैं 13,000, मुस्लिम का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, जिप्सम के उत्पादन का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, जिप्सम, अरे जिप्सम जिससे पीओपी बनता है, पीओपी जो घर में लगाते हैं प्लास्टर पर गोल हाथ पर टूट गया जैसे हाथ नहीं लटके ले रहता है वो वाला, हाँ प्लास्टर होती है जिप्सम से, सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश इंडोनेशिया, ठीक है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला देश इंडोनेशिया, सबसे भयानक सुनामी इंडोनेशिया, कौन टिप टिप करते रहता है इतना समझाते हैं, इंडोनेशिया कितने देश हो गए 9, कितने हो गए 9, इंडोनेशिया हालांकि पता है बहुत सस्ता देश है, यहां पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, और इंडोनेशिया की मेन कमाई किससे होती है टूरिस्ट की, हालांकि देखो टूरिस्ट डेवलप करना चाहिए, टूरिस्ट से बहुत फायदे होते हैं जी, नहीं जैसे टूरिस्ट अगर आपके यहां आ गया, जैसे आपका थाईलैंड है, थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल है, वीजा ऑन अराइवल समझते हैं, जैसे
अगर आप किसी देश में जाओगे ना तो आपको अपने देश से जाने के लिए अनुमति देती है भारत सरकार, जिसे कहते हैं पासपोर्ट। क्या बोलते हैं? पासपोर्ट। इस उसमें किसका साइन होता है? राष्ट्रपति का। यानी हमारे देश के राष्ट्रपति आपका जिम्मा ले रहे हैं कि हम इस चंडाल को जाने के लिए दे रहे हैं, ये सही सलामत बढ़िया आदमी है। तो पासपोर्ट कौन था है? उस देश जाने की अनुमति देता है। वीजा मतलब हम उस देश से आने की अनुमति लेते हैं। उस देश से हम पूछते हैं कि हम किस काम के लिए आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, इलाज कराने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं। हाँ, तो अक्सर आप जैसे जाओगे ऑनलाइन अप्लाई करोगे, एयरपोर्ट पे जाओगे तो वीजा के लिए अप्लाई करोगे, जैसे कहोगे हम घूमने गए हैं या इलाज करने जा रहे हैं, तो कोई जांच ज्यादा पड़ताल नहीं होती है। आधे घंटे में आपका वेरिफिकेशन होगा और आधे घंटे में आपको मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल लो और जब यहाँ से पासपोर्ट दिखाओ एंट्री हो गई, वो ढकेल के चढ़ा देगा। फिर जब वहां उतरो तो दिखा दो हम पिज्जा लेके आ गए, तो अपना हाँ वही पिज्जा वीजा पिज्जा दिखा दो, किलो 299 वाला पिज्जा लेके आए हैं, तो तुम्हें क्या दे देगा? ठीक है। तो बहुत देश ऐसे करता है कि वीजा ऑन अराइवल, मतलब थाईलैंड क्या करता है भारत के लिए कि आपको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप पासपोर्ट दिखाइए चले जाइए। जब वहां पहुंच जाइए तो एक अलग से वो रूम बने लिए है, उस पर लिखा हुआ वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल, आप आ जाए हम आ गए दे दो वीजा। ठीक है, तो वो बड़का वो फॉर्म देगा, वो ले थू थू भर इसको, अब भर के तुम बताना पड़ेगा कि हम कितना दिन रहेंगे। अरे उनकी शक्ल खुद ऐसी होती है। ठीक है, अब वहां जाओगे तो आपको फिर फॉर्म भर के देंगे, फिर फॉर्म में दोगे, जितना दिन बोलोगे लिखोगे उतने दिन का पास बनेगा और उतने दिन आपको रहना है। तो पुलिस धर लेगी वो वापस लौटते वक्त, पेनाल्टी ले लेगी, समझे? और उसमें भी दादागिरी दिखाएंगे तो कुछ नहीं करेगी, आप पे अलग नहीं एरोप्लेन में बैठा देगी और इंडिया वो कर देगी, फोन कर देगी कि ये आया था सीट नंबर इतना का, दुबई चंडाल चंडाली घूमने आया था, इसने बहुत परेशान किया, हमारा इतना का लॉस हुआ। कुछ नहीं करेगा, एरोप्लेन रुकते ही चढ़ेंगे कौन सिक्योरिटी वाले, बोलेंगे इतना सीट नंबर वाले बैठे रहेंगे, माई गॉड हमें तो इज्जत सहित उतारा जाएगा, कॉलर धरेगा चट्टा चल, जितना नुकसान हुआ उस समय पहले बार, नहीं तो क्या एयरपोर्ट में छोटा सा लॉकअप होता है, लॉकअप में बंद कर देगा जा। समझे? अरे जमीला क्या आप पिज्जा लेके जाइए वीजा, तो वीजा लेके जाओ तो भी अपना आकर घूम के आओ। हाँ, ऐसे इंडोनेशिया में आपका एक रुपया इंडोनेशिया में 93 रुपया के बराबर है। हाँ, मतलब आप अगर 1,000 रुपया यहां से लेके गए तो वहां कितना मिलेगा? 93,000। घूमो बढ़िया से, मौज करो, फिर मौज करके वापस आ जाओ। घूमने जाने आने के लिए पता है सिर्फ क्या खर्चा होता है? किराया, बाकी कोई खर्चा नहीं, ज्यादा नहीं होता है। जैसे यहाँ खर्चा वैसे ही खर्चा, लेकिन टूरिस्ट से बहुत इनके भाव, क्योंकि टूरिस्ट होता है एटीएम आउट का नाम। देखो अब एरोप्लेन से उतरेगा तो एयरपोर्ट जैसे ही बाहर निकलेगा ऑटो वाला को देगा पैसा, ऑटो वाला छोड़ेगा होटल वाला को देगा, खाना वाला को देगा पैसा, ई रिक्शा वाला को देगा पैसा, घूमने गया वहां कुछ खरीदा उसको देगा पैसा, उसे टिकट लगा, मतलब पैसा ही पैसा, ये समझे? ये लो यूपी बिहार वालों को भी टूरिस्ट बनाना चाहिए, इन चोटों को नेताओं को कौन समझाए? मशरूम, क्या बोलते हैं मशरूम, मशरूम होता है जो कभी कभी दिखता है। ठीक है, ये इलेक्शन के टाइम में दिखेंगे। ये वो इलेक्शन में कोई नेता था, पार्टी वार्टी के नाम नहीं लेंगे, था बहुत बड़ा पार्टी का, बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्टी का। ठीक है, तो उससे पूछा गया कि बताइए जरा भारत का राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है। छोड़िए ना गाया जाता है, जब गा के बताएंगे तो बता देंगे वो गा करके। ठीक है, बोला बताइए यूपी की चौधरी क्या है। बोले चौधरी क्या होता है? उसको यही नहीं पता था चौधरे को, बनेगा एमपी सांसद बनेगा, तो इसे से सांसद है, उसके देश में अपना हाथ दे रहे हैं, उसके हाथ में अपना देश दे रहे हैं कि लो और इसको खोखला करो बेच के आराम से जाओ। ठीक है, कितना हो गया बोलो, फिर शुरू से बोलो। म्यांमार, थाईलैंड, बहुत भूल गए, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया,
फिर आपका मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिलीपींस मिला, फिलीपींस मार कर लो, फिलीपींस, अरे नहीं मिला कहीं मार कर लो, ऑस्ट्रेलिया को मार कर दो, अमेरिका को मार कर दो, हैदराबाद को मार कर दो, बोलो ये हमारा फिलीपींस है, नहीं हो तो अपना नाम लिख दो, ये फिलीपींस अलग है, ऐसे बना दो, ऐसे करके घोंच पोंच करके समुद्र में थोड़े सत्र को नक्शा क्या बनाओगे। हमें लगता होगा इंडोनेशिया वाला जो अपने वो मनाते होंगे, जैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इन्हें नक्शा कैसे बनाता होगा। हाँ ये लोग कुछ गीला मट्टी लेता होगा सान के, अच्छा छीट देता होगा वो जहां जहां फैला इंडोनेशिया। हम लोग कितना अच्छा नक्शा बताओ, एकदम प्यार से नक्शा बनता है, ऐसे एकदम डिजाइन से, है ना, ऐसे बनता है नक्शा डिजाइन से। अरे देखो कितना अच्छा नक्शा बना हुआ है, नहीं दिखा तुम्हें, इतना अच्छा नक्शा बना हुआ है। हाँ ये ऊपर देखो छोटे पाकिस्तानियों ने, ये देखो ये लग रहा ना मेरा नक्शा अपना, ये ऐसे करती है अपना नक्शा, बांग्लादेश भी मिला लो अपने में। ठीक है, कितना मजेदार बना, एकदम बढ़िया जबरदस्त दिखने में लगता है, नहीं लगता है। आई कैसे बनाते हैं इंडोनेशिया वाले, ऐसे लगता है किसी उल्टी किया, जो कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और छिटके छिटके इधर पड़ा, नहीं। कितने होंगे, 10। इसको क्या बोलते हैं, आसियान। किसको बोलते हैं, आसियान। फटाफट बोलेंगे, आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967, राजधानी जकार्ता, कितने देश, 10 देश, 10 देश का नाम बोले, बोलिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ओके, कितने हो गए, 10 देश। 10 देश को हम सीरियल वाइज से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, मलेशिया के बारे में, सॉरी म्यांमार के बारे में, किसे पढ़ते हैं, म्यांमार। तो म्यांमार के वाल के नक्शा निकालते हैं, ठीक है, ये आपका म्यांमार दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, काली नदी वाला खुल गया जी, नदी नदी है, कोई बात नहीं समझो, अब नदी में ही समझ लेंगे, बोले खाली नदी नदी वाला खुल गया, हाँ जगह वाला ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ ले, चलो ढूंढ ढूंढ लेते, एक मिनट लगेगा ढूंढने में, ये मैं हमारे, चलिए इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। नक्शा लगता है कि थोड़ा उल्टा घूम के ज्यादा घूम गए थे काजी, ठीक है हम वहां खड़ा होंगे दिख जाएगा, आ जा। ये आपको इंडिया दिख रहा है नगर, ये आपको इंडिया है, बांग्लादेश है, ये म्यांमार की सीमा है, ये म्यांमार है ना, ठीक है। अब म्यांमार में आइए हम लोग समझते हैं, म्यांमार का पूरा नाम क्या है, बर्मा, पूरा नाम बर्मा। यहां पर किस धर्म के अधिकता है, बौद्ध धर्म की, किसके अधिकता है, बौद्ध धर्म की अधिकता है। इससे बौद्ध धर्म की जो मंदिर होते हैं ना उसे पैगोडा कहते हैं, क्या बोलते हैं, पैगोडा। और यहाँ सोने का जो कुछ मतलब इसे सोने का मंदिर इंद्र यहाँ ज्यादा है, इसलिए बोलते हैं स्वर्णिम पैगोडा, इसे क्या बोलते हैं, स्वर्णिम पैगोडा। म्यांमार को किस नाम जानते हैं, स्वर्णिम पैगोडा, म्यांमार को किस नाम जानते हैं, स्वर्णिम पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा, ठीक है, स्वर्णिम पैगोडा। इनकी राजधानी, इनकी पुराना राजधानी क्या था, नीचे ही मिले आपको रंगून, मिला पूरा ये मिलेगा रंगून, इनकी राजधानी रंगून, यांगून लिखा होगा ये वाला, राजधानी यांगून, पुरानी राजधानी यांगून, हाँ ये वाला था ना, आइए पुरानी राजधानी यांगून,
यहीं पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की कब्र है। उसने कब्र कहां बनवाया था? दिल्ली में। लेकिन अंग्रेज कहां भेज दिया? रंगून। दिल्ली में कब्र खाली है जी, किसी को बुकिंग करवाना हो तो करवा सकते हैं, ये कब्र खाली है। ठीक है, यंगून मिला, यंगून, यंगून। आइए यंगून से ऊपर जाइए, आपको मिलेगा नेपथीदो। मिला नेपथीदो? नहीं लिखा है ना नेपथीदो, यह नहीं लिखा है। ऊपर मिला होगा, नहीं मिला है, नेपथीदा, नेपथीदा लिखा होगा ऊपर, मिलेगा इसके नेपथीदा। यंगून से जस्ट ऊपर आइए, ऊपर आते जाओ, अचाक से ऊपर आओ, मिलेगा चार अंगूर ऊपर आइए, नेपथीदा। हाँ नेपथीदा, नेपथीदा ऐसे लिखा हुआ, देखो अरे ऐसे लिखा हुआ, नेपथीदा ऐसे लिखा हुआ, नेपथीदा। म्यांमार की अभी राजधानी क्या है? नेपथीदा। इस उतरा ऐसा नाम रखा है। म्यांमार की अभी करंट में राजधानी कौन सी है? नेपथीदा। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपथीदा। ये अच्छा नक्शा डाउनलोड हुआ जी, इससे हम लोग थाईलैंड भी पढ़ लेंगे, लाओस भी, वियतनाम भी, तीन चार वो पढ़ लेंगे, या आई थिंक थाईलैंड भी पूरा दिया है ना। ठीक है, कंबोडिया भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए मिला नेपथीदा। ठीक है, उसी के ऊपर क्या मिलेगा? मांडले। उसी के ऊपर क्या मिलेगा? मांडले। मिला मांडले? नहीं मिला। अरे इसी के ऊपर आइए ना, नेपथीदा के ऊपर आइए, आपको मिलेगा मांडले। नेपथीदा के जहां पे म्यांमार का मां लिखा है वहां पर देखो लिखा है मांडले, मांडले। यहां पे खतरनाक जेल है, यहां पे एक बहुत खतरनाक जेल है। अंग्रेज काला पानी की सजा कहां देते थे? अंडमान निकोबार में। कहां देते थे? अंडमान निकोबार में। मांडले में क्या था? खतरनाक जेल था। यहां पे जिसको बंद करता था उसकी मृत्यु मलेरिया से होती थी। यहां बहुत खतरनाक होती थी, क्या नाम है, मच्छर होती थी दिन दहाड़े इतना बड़ा का। वहां के यदि तू मारा था तो सुनता ही नहीं था, अगर डस लेता था। ठीक है, हाँ जी, तो उतना मच्छर डस ही रहा है ना। ठीक है, आइए। भारत और म्यांमार को अलग करने वाली पर्वत का नाम है आराकान पर्वत। कौन सी है? आराकान पर्वत, आराकान पर्वत। तो कहीं लिखा होगा रामती, अंदर घुसा के दिया है, बाहर में कौन है? आराकान। और ऊपर देखो लिखा होगा पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश के पास लिखा होगा पटकाई बूम, लिखा है। दो पर्वत होगा, आराकान पर्वत और पटकाई बूम। नहीं होगा तो मार कर लीजिए, अगर उसमें लिखना नहीं लिखा है तो जहां बॉर्डर है बॉर्डर पे मार करिए, नीचे मार करेंगे क्या? आराकान, जहां पे भारत और किसकी, म्यांमार की सीमा लगती है, आराकान पर्वत, आराकान। और ऊपर पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है किसकी? पटकाई बूम। मणिपुर और मिजोरम से लगती है किसकी? आराकान। मणिपुर और मिजोरम से किसकी लगती है? आराकान की। नहीं लिखा, उसको मार करो ना, करा बोल तो रहे हैं, वो अंदर घुसा दिया उसमें। तो अब इसमें अपना वाला मार्क किया है बॉर्डर पे, दोनों का बॉर्डर बनाती, चौड़ा पर्वत होता है ना, अब पर्वत दीवार थोड़ी है। हाँ बॉर्डर पे मार कर लो, जहां बॉर्डर से ऐसे बना लो, लिख लो आराकान पर्वत। हालांकि आराकान को अंदर घुसा दिया उसने। ठीक है, पटकाई बूम सीमा बनाती है भारत और किसकी? म्यांमार की। यहां दो नदियां बहती है, एक इरावती और सापलीन। देखो एक ऊपर यहां पे एक नदी आ रही होगी और एक इधर दो नदी आ रही होगी। आराकान पर्वत के जस्ट आसपास देखिए वो नदी, कहीं लिखा हुआ इरावती, ऐसे नीचा होगा, नीचे में इरावती की खाड़ी ऐसे लिखा होगा, इरावती की बेसिन लिखा है, मुहाना। उसी को ऊपर जाओ, जो ग्रीन लाइन आया, ब्लू लाइन आया, ब्लू लाइन को ऊपर लेके जाइए, कहीं लिखा हुआ इरावती,
कितनी बड़ी नदी है, दो तीन इरावती लिखा होगा, लिखा है इरावती, तुमको नहीं मिला इरावती। अरे कोई कहीं, हाँ कहीं भी मिला भाई, इरावती इरावती इरावती। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था, उसने ऐसे करके वो नक्शा दिया था, ऐसे नक्शा दिया था और साथ में वो ऐसे दे दिया था, इसको लिख दिया था भारत, क्या लिख दिया था भारत, और यहाँ पे वो नदी ऐसे बना दिया था, इस नदी का नाम दिया था एक्स, बोला तो एक्स का नाम बताइए क्या नाम था, हाँ भारत के सीमा से सट के इरावती, असीमा से हट के दूर में, ये कौन सी नदी है, सीमा से सट के इरावती, असीमा से सट के सालवीन, ये लिखा होगा है सालवीन, बीचों बीच में इधर ही साइड में, अरे इतना बाहर नहीं है, बीचों बीच में है, लिखा है सालवीन, सालवीन, अरे इतनी बड़ी नदी होगी कहीं ना कहीं लिखा होगा, मिला तो भारत के सीमा से सट के कौन सी नदी है, दो नदियां हैं सीमा से सट के, सीमा से सट के और सीमा से हट के कौन सी नदी, सालवीन। देखो रवीश, ये इरावती और सालवीन के बीच में शान की पठार, मिला शान की पठार, मिला शान की पठार, इरावती और सीमा के बीच में क्या मिलेगा, शान की पठार, कौन सा पठार, शान की पठार, ठीक है समझ में आया, ये था आपका म्यांमार, तो और क्या पहाड़ जंगल झाड़ है वहां क्या जावे जाना क्या करते ये पूछा था वो, दोनों नदी, ये दोनों नदी पूछी जाती है, ये दोनों प्रसिद्ध नदी है, ये दोनों प्रसिद्ध नदी जाना जाता है, ठीक है। पुराना नाम क्या था, श्याम। कल किसका नाम पढ़ेंगे हम लोग, म्यांमार के बाद क्या पढ़ेंगे, थाईलैंड, और थाईलैंड पढ़ेंगे, थाईलैंड क्या पढ़ेंगे, कल थाईलैंड पढ़ेंगे, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, एकदम सिस्टमेटिक याद होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में अब तो ढंग से नहीं तुम लोग याद कर पाया, इसको याद रखना।